fixed partitioning, which is also known as static partitioning, in contiguous memory allocation. Whenever the processes are coming into the RAM, how we are allocating them the space. That is one of the method is fixed partitioning, or we can also say that is static partitioning. So in the fixed partitioning, the concept is ki number of partitions are fixed. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बिकॉज सारा का सारा मेथड ही क्या है कि नंबर ऑफ पार्टीशंस, मतलब मैं रैम को जो डिवाइड कर रहा हूँ कि ताकि प्रोसेसेस जो है वो रैम के अंदर एलोकेट कर सकूँ, वहाँ पे मैं उनको बिठा सकूँ, तो उससे पहले व्हाट वी आर डूइंग, द नंबर ऑफ पार्टीशंस आर फिक्स्ड. सो लेट्स सॉल्व विद दिस डायग्राम. आई हैव ऑलरेडी मेड दिस, लाइक दिस इज माई रैम. इन द रैम, as we know ki whenever we start our system, the operating system, first of all operating system is mount in the RAM, matlab sabse pehle operating system RAM ke andar aata hai, kuch memory, kuch space wo leta hai, occupy karta hai, aur baki ka jitna bhi bacha hua portion hai wo hum kiske liye use karte hain, mostly processes ko secondary memory se late hain RAM ke andar, taki hum CPU ko allocate kar sake. According to the degree of multi programming, we already know ki zyada se zyada processes ko hame RAM के अंदर लेके आना है, तो उसके लिए मेरे पास RAM में स्पेस होना चाहिए. तो हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम ने कुछ स्पेस ले लिया RAM का, लेकिन बाकी बचा हुआ स्पेस प्रोसेसेस के लिए हमने रखा हुआ. अब यहाँ पे जो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि फिक्स्ड पार्टीशनिंग या स्टैटिक पार्टीशनिंग में नंबर ऑफ पार्टीशंस तो फिक्स्ड है, मतलब जब जैसे ही हम सिस्टम को कॉन्फिगर करेंगे उसी टाइम ही हम डिसाइड कर लेंगे कि मेरी नंबर ऑफ पार्टीशंस कितनी होंगी, लेकिन हर एक पार्टीशन का साइज कितना होगा ये सेम भी हो सकता है, ये अलग भी हो सकता है. मैंने दोनों ही डायग्राम यहाँ पे बनाए हैं. यहाँ पे मैं क्या शो कर रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले आ रहा है, मेन मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आया, लेकिन जो बाकी का जितना भी बचा हुआ पोर्शन है उसको मैंने फिक्स्ड साइज के स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया. मतलब मैंने कितनी पार्टीशन बनाए, 1, 2, 3, 4. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टीशन इन दिस, द पार्टीशन आर 4. बट वट इज द साइज ऑफ ईच पार्टीशन, वो मैंने फिक्स रखा है, दैट इज 8 MB. लेट्स से 8 MB. नाउ वेन एवर वी कॉल द प्रोसेस फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी, हम इजिली उनको यहां पे एकोमोडेट कर सकते हैं. अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हम प्रोसेसेस को लाएंगे, या तो प्रोसेस 8 MB का हो या उससे कम साइज का हो, बिकॉज द कॉन्टिग्यूस एलोकेशन, द कॉन्सेप्ट हियर इज कॉन्टिग्यूस एलोकेशन में स्पैनिंग इज नॉट अलाउड. व्हाट इज अ स्पैनिंग, मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते कि कुछ प्रोसेस के कुछ पोर्शन को हम एक पार्टीशन में रख दें और बाकी के बचे हुए को दूसरी पार्टीशन में. नो, या तो आइदर ऑल या फिर नन, मीन्स पूरे प्रोसेस को या तो मैं एक पार्टीशन में डालूंगा, अगर वो आ गया तो बेस्ट है, अदरवाइज मेरे को क्या करना पड़ेगा उनको, या तो मैं इस पार्टीशन में पूरा 8 MB का डाल सकता हूं, अदरवाइज मैं पार्टीशन ही छोटे प्रोसेस की करूंगा, मतलब मैं छोटे प्रोसेसेस को लेके आऊंगा जिनका साइज 8 MB से कम हो. अब इसको एग्जामिन करेंगे अभी. और यहां पे जो दूसरा है, ये डायग्राम बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टीशंस तो इसमें भी फिक्स्ड है, कितनी है, 1, 2, 3, 4, मैंने नंबरिंग दी है 0, 1, 2, 3. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टीशंस, 4. बट हेयर द डिफरेंस इज कि नंबर ऑफ पार्टीशंस तो सेम है, बट द साइज ऑफ ईच पार्टीशन इज डिफरेंट. तो हाँ, फिक्स्ड पार्टीशनिंग में हमेशा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला कि नंबर ऑफ पार्टीशंस तो पहले ही फिक्स कर देते हैं, लेकिन साइज ऑफ ईच पार्टीशन वो सेम भी हो सकता है, मतलब फिक्स भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है. यहां पे मैंने एक पार्टीशन लिया 4 MB, 8 MB, 8 MB एंड 16 MB. नाउ वी विल एग्जामिन कि जब प्रोसेसेस आते हैं तो ये कैसे वर्क करती है, क्या इसमें प्रोज एंड कॉन्स है, क्या एडवांटेजेस वगैरह या डिसएडवांटेजेस हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. लेट्स से अ प्रोसेस कम्स P1. P1 इज अ प्रोसेस. इफ द P1 साइज इज 4 MB, एक मैंने सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को बुलाया, प्रोसेस का साइज क्या है, 4 MB. तो 4 MB के प्रोसेस को जब मैं मेन मेमोरी में लाऊंगा, तो एक तरह से मैं सबसे पहले जो जहां पे भी खाली है, यहां पे जहां भी अवेलेबल स्पेस है, मैं कहीं भी उसको डाल सकता हूं. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहीं पे भी उनको मैं डाल सकता हूं. बट द पॉइंट इज कि जो प्रोसेस आ रहा है
उसका साइज जो है वो पार्टीशन से कम होना चाहिए, अदरवाइज मेरे को आधा किसी और में एडजस्ट करना पड़ेगा, आधा किसी और में, और ये तो अलाउड नहीं है क्योंकि कॉन्टिग्यूस में हम उसको पूरे का पूरा ही डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने आधा किसी और क्लास में डिवाइड कर दिया, आधा कहीं और पे डिवाइड कर दिया, नो, ये यहाँ पे नहीं हो सकता। तो यानी अगर पी1 यहाँ पे 4 एमबी का आ रहा है, तो लेट्स से कि अगर स्टार्टिंग में सारे पार्टीशंस मेरे पास खाली हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जीरोथ पार्टीशन में 4 एमबी के प्रोसेस को डालूंगा। अगर मैं जीरोथ यहाँ पे इस स्लॉट में 4 एमबी के प्रोसेस को डालता हूँ, तो ये पूरा फिट आएगा, बिल्कुल यहाँ पे फिट आ जाएगा। तो ठीक है, उसके बाद हम सीपीयू को एलोकेट कर देंगे, सीपीयू इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेगा, एक एक करके एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शंस को, प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। ये तो है नॉर्मल केस, जो हम बेस्ट केस भी बोलते हैं जनरली, लेकिन अगर इसको हमने पूरा एग्जामिन करना है तो मुझे सारे केस डिस्कस करने पड़ेंगे। तो लेट्स से कि प्रोसेस साइज इज 2 एमबी, लेट्स से द प्रोसेस साइज इज 2 एमबी। अगर अब 2 एमबी का प्रोसेस हम यहां पे ला रहे हैं, तो अगेन वही पॉइंट है कि हम किसी भी अवेलेबल जगह पे डाल सकते हैं उसको, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि जहां पे हमें पहली जगह मिल गई, तो लेट्स से कि जीरोथ पोजीशन अभी भी खाली है, हमने कोई भी प्रोसेस अभी नहीं भरा, तो जीरोथ पोजीशन में मैं पी1 को एलोकेट कर दूंगा। तो यानी यहां पे किसको एलोकेट कर दिया, पी1 को। तो पी1 ने 4 एमबी में से लेट्स से 2 एमबी पी1 हैज टेकन, P1 ने 4 MB में से 2 MB एलोकेट कर दिया, बट ये पूरी की पूरी पार्टीशन अब किसको मिल चुकी है, P1 प्रोसेस को, पूरी की पूरी पार्टीशन P1 प्रोसेस को मिल चुकी है। तो यहां पे जो ये बाकी का बचा हुआ 2 MB है, क्योंकि 2 MB तो यहां पे यूज हो गया, लेकिन बाकी का बचा हुआ 2 MB ये अब वेस्ट है, क्योंकि as we already know कि contiguous में हम आधा आधा नहीं partitions में divide कर सकते किसी भी process को, या तो वो पूरा जाएगा, otherwise मुझे process का size जो है वो छोटा होना चाहिए मेरे partition के size से। तो partition के size से तो छोटा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा छोटा है, तो मतलब यहाँ पे अगर 2 MB का process मैं यहाँ पे डालता हूँ, तो मेरी बाकी की बची हुई ये 2 MB वेस्ट हो रही है, एंड दिस इज कॉल्ड द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस चीज को हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। लेट्स से एक और प्रोसेस लाते हैं, लेट्स से P2 प्रोसेस आया, द साइज ऑफ P2 इज 7 MB, 7 MB, तो कहीं पे भी उसको डाल सकते हैं, जहां पे भी अवेलेबल है, लेट्स से कि मेरा पहली लोकेशन ही अवेलेबल है यहाँ पे, तो इसमें मैंने क्या करूंगा, 7 MB के प्रोसेस को इसमें एलोकेट कर दूंगा। तो मतलब इस लोकेशन को मैंने एलोकेट कर दिया P2 को, ठीक है, P2 यहाँ पे इजीली एकोमोडेट हो जाएगा और ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब P2 के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो डेटा है, वो सारा का सारा किस में आ गया, इस पार्टीशन में आ गया, और उसने 7 MB का स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो, तो 1 MB का स्पेस यहाँ भी बच रहा है, और इस 1 MB के स्पेस को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये पूरी की पूरी पार्टीशन, पूरे के पूरे इस पार्टीशन को हम एलोकेट करते हैं एक प्रोसेस को, तो इसमें अब दूसरा प्रोसेस कोई और स्पैन नहीं हो सकता, तो यानी यहां पे 1 MB वेस्ट हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये क्वेश्चन जो है काफी बार आता है गेट के एग्जाम में भी, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो दिस इज कॉल्ड द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। व्हाट एल्स, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और क्या इसमें प्रॉब्लम्स, या क्या इसमें हम एनालिसिस कर सकते हैं? दूसरा पॉइंट यहां पे क्या आ रहा है, लेट्स से कि एक प्रोसेस है, प्रोसेस का साइज है 32 MB, तो क्या 32 MB के प्रोसेस को यहां पे अकोमोडेट कर सकते हैं? नो, बिकॉज द मैक्सिमम साइज ऑफ द पार्टीशन इज 16 MB, और ये तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया जब सिस्टम को कॉन्फिगर कर रहे थे कि मेरे एक पार्टीशन का साइज जो है वो मैक्सिमम कितना है, 16 MB। इन केस अगर एक प्रोसेस आता है 16 MB से ज्यादा का, तो मैं उसको कहीं अकोमोडेट नहीं कर सकता। तो यानी यहां पे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ रही है, देयर इज अ लिमिट इन प्रोसेस साइज, मतलब प्रोसेस जो भी ला रहे हो आप रैम के अंदर, उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए साइज की। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोसेस आ गया,
यहाँ पे मैक्सिमम पार्टीशन का साइज ही 16 MB है, तो 16 MB से ज्यादा का अगर प्रोसेस आता है तो उसको हमें अकोमोडेटी नहीं कर सकते। तो देर इज अ सेकंड डिसएडवांटेज या सेकंड लिमिटेशन इज कि देर इज अ लिमिटेशन इन प्रोसेस साइज। द थर्ड पॉइंट इज व्हाट एल्स नाउ एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि नंबर ऑफ पार्टीशन आर फिक्स्ड, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टीशन कितनी है? 4। इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ पार्टीशन कितने लिए हैं? 4। तो अगर इन केस आप 5 या 6 प्रोसेसेस को लाना चाहते हो रैम के अंदर, कैसे लाओगे? देयर इज नो अदर वे। P1 यहां, P2 यहां, लेट से P3 आया मैंने यहां डाल दिया, लेट से P4 आया मैंने यहां डाल दिया, लेकिन अगर उसी टाइम पे P5 आता है या P6 को अगर मैं लाना चाहूं तो मैं कैसे लाऊंगा? नो। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को हम अकोमोडेट कर सके रैम के अंदर, लेकिन यहां तो मेरी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग लिमिटेड है। ऑल्दो ये चीज बाद में हमने वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट से हमने रिमूव कर दी, बट एट दिस पॉइंट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फिक्स्ड पार्टीशनिंग। तो यहां पर अगर इसको देखा जाए तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो लिमिटेड, बिकॉज मैं 4 से ज्यादा प्रोसेसेस को एक टाइम पे 4 से ज्यादा प्रोसेसेस को ला ही नहीं सकता। तो यहां पे डिग्री ऑफ देयर इज अ लिमिटेशन ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को ला ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने पार्टीशन ही पहले डिसाइड कर दी कि 4 है। तो जब 4 ही पार्टीशन है मेरे पास, जब अवेलेबिलिटी ही 4 बॉक्सेस की है, तो 4 बॉक्सेस में कुछ ना कुछ डाल दो। तो जब मेरे पास अगर एक बंदा और आके कह रहा है कि मेरे को भी अपना सामान डालना है, तो मैं कहां डालूंगा? मेरे पास जब बॉक्स ही नंबर ऑफ पार्टीशन ही जब 4 है, तो इसीलिए यू कैन ऑल्सो से कि लिमिटेशन इन द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। सो नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन दिस विल बी लिमिटेड, कि मतलब हम लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेसेस को ही रैम के अंदर लेके आ सकते हैं। अगर हम इस डायग्राम की बात भी करें जहां पे हर एक पार्टीशन का साइज मैंने फिक्स किया है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स इसमें भी आएंगी, बिकॉज यहां पे भी क्या है कि मेरे पास एक पार्टीशन का साइज जो है वो 8 MB है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो डेफिनेटली अगर एक प्रोसेस आता है 7 MB का या 6 MB का, 5 MB का, लेट से एक प्रोसेस आया 6 MB का, तो मैं 6 MB के प्रोसेस को यहां पे मैंने अकोमोडेट किया, बिकॉज यहां पे फ्री था। जहां पे भी अवेलेबिलिटी मिलेगी, जहां पे भी फ्री पार्टीशन मिलेगा, मैं वहां पे अकोमोडेट करने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे लेट्स से कि पहली पार्टीशन ही फिक्स थी, तो एक प्रोसेस आया P1, मैंने उसको अकोमोडेट कर दिया इस जगह पे। तो ये 6 MB का प्रोसेस यहां पे जब आ गया, तो बाकी का बचा हुआ यहां पे 2 MB वो किसी और को एलोकेट नहीं किया जा सकता। तो यानी उसको भी हम क्या बोल रहे हैं यहां पे? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इसमें भी आ रही है। दूसरा क्या है? लिमिट ऑन द प्रोसेस साइज। ऑब्वियसली यहां पे तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोसेस का साइज भी कितना हो सकता है? 8 MB। लेकिन यहां पे एटलीस्ट ये प्रॉब्लम नहीं थी, यहां पे हम 8 MB से ज्यादा प्रोसेस को भी अकोमोडेट कर सकते हैं, 16 MB तक मैक्सिमम हो सकती है। लेकिन यहां तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि 8 MB ही होगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। थर्ड प्रॉब्लम, लिमिटेशन ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, वो तो सेम ही है, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टीशंस तो हमने फिक्स्ड ही किए हैं दोनों में, तो इसीलिए वो तो प्रॉब्लम इसमें आएगी आएगी। लेकिन इसमें और अगर इसमें कंपेयर किया जाए तो ये इससे कहीं बेटर है, बिकॉज यहाँ पे तो एटलीस्ट प्रोसेस का साइज की भी लिमिटेशन है, कि प्रोसेस का साइज भी 8 MB से ज्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे वो लिमिटेशन फिर भी मेरी कम है, क्योंकि अलग अलग वेरिएशन है, 4 MB, 8 MB, 16 MB तक के प्रोसेस को भी अकोमोडेट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट अगर मैं इसमें एनालाइज करें, तो लेट से कि एक और प्रोसेस आया P3 प्रोसेस का साइज भी 7 MB, तो यहां पे अकोमोडेट करते हैं P3 को। P3 प्रोसेस केम, उसको मैं ये वाला स्लॉट दे रहा हूं, बिकॉज ऑलरेडी ऊपर वाले स्लॉट तो बुक्ड है, तो दिस स्लॉट इज फ्री, तो P3 को यहां पे अकोमोडेट कर दिया। व्हाट इज द साइज ऑफ P3? P3 साइज इज 7 MB, और उसको यहां पे अकोमोडेट कर दिया। अगेन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन विल बी देयर। लेट्स से वन मोर प्रोसेस P4, द साइज ऑफ P4 इज 14 MB, साइज ऑफ P4 इज 14 MB, तो ऑब्वियसली यही एक लोकेशन एम्प्टी है, तो मैं इस लोकेशन में उसको अकोमोडेट कर रहा हूं, और
यहाँ पे P4 अपना डेटा इंस्ट्रक्शंस को लेके यहाँ पे एकोमोडेट करवा दिया. तो नाउ देर इज अगेन 2 MB साइज, 2 MB मेमोरी विच इज वेस्टेड. यहाँ पे भी मेरे पास 1 MB वेस्ट हो रही है, और यहाँ पे P2 7 MB का था, यहाँ पे भी 1 MB यहाँ पे वेस्ट हो रही है, और यहाँ पे P1 2 MB का था, यहाँ पे 2 MB वेस्ट हो रही है. नाउ हेयर 2 MB 1 MB 1 MB 2 MB ये चारों स्लॉट्स में, चारों पार्टीशंस में यहाँ पे वेस्ट हो रही है. अब अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेट्स से कि अगर एक प्रोसेस और आता है, P5 प्रोसेस केम एंड P5 प्रोसेस साइज इज, P5 प्रोसेस का साइज अगर है 5 MB, P5 प्रोसेस का साइज है 5 MB, तो 5 MB के प्रोसेस को हम यहां पे अकोमोडेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे कोई भी स्लॉट मेरे पास खाली नहीं है. तो लेकिन अगर यहां पे आप देखो तो यहां पे 2 3 4 5 6 मतलब टोटल 6 MB स्पेस यहां पे अवेलेबल है. लेकिन 6 MB स्पेस अवेलेबल होने के बावजूद हम यहां पे एक प्रोसेस जिसका साइज 5 MB है उसको अकोमोडेट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज द कॉन्टिग्यूस एलोकेशन. हम ये नहीं कर सकते कि 5 MB का कुछ पोर्शन यहां पे डाल दे, कुछ पोर्शन यहां पे डाल दे, कुछ पोर्शन यहां पे और कुछ पोर्शन यहां पे, बिकॉज द कंस्ट्रेंट इज कॉन्टिग्यूस एलोकेशन. या तो वो कॉन्टिग्यूस जाएगा पूरा, मतलब जितनी भी उसके अंदर डेटा है, जितना भी इंस्ट्रक्शन है 5 MB का, वो 5 का 5 MB एक जगह पे ही डालेंगे. तो उसकी वजह से यहां पे मैं 5 MB अवेलेबल होने के बावजूद मैं इस प्रोसेस को अकोमोडेट नहीं कर सकता. तो यहां पे मेन प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही है? कॉन्टिग्यूस एलोकेशन की वजह से. और इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज व्हाट, कि ऑल द वी आर हैविंग अवेलेबिलिटी ऑफ द मेमोरी इन डिफरेंट स्लॉट्स एंड कंबिनेशन मींस एडिशन ऑफ ऑल द स्पेस इज इक्विवेलेंट टू द अवेलेबल साइज. मतलब न्यू प्रोसेस आ रहा है उसका जो प्रोसेस का साइज है वो अवेलेबल स्पेस से कम ही है, लेकिन स्टिल आई एम नॉट एबल टू अकोमोडेट बिकॉज ऑफ द कॉन्टिग्यूस मेथड. तो उसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्थ प्रॉब्लम आ रही है दैट इज द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में जहां पे भी आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएगी मेमोरी के अंदर, व्हेनेवर देयर इज अ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इन द मेमोरी देयर विल ऑलवेज बी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एग्जिस्ट. तो इस चीज को हम कैसे रिमूव करते हैं या कैसे हम इन चीजों को एक एक करके हटा सकते हैं, ये हम फर्दर जो मेथड्स में देखेंगे. ये जो फिक्स्ड पार्टीशनिंग है, फिक्स्ड पार्टीशनिंग वाज यूज्ड लॉन्ग बैक इन 1960s के राउंड पे जब मेन फ्रेम्स यूज होते थे. तो मेन फ्रेम्स में हम पहले ही कॉन्फिगर कर देते थे कि जितनी भी हमारी मेमोरी है उसमें नंबर ऑफ पार्टीशंस कितनी होंगी. तो उस नंबर ऑफ पार्टीशंस की वजह से ये चार प्रॉब्लम आ रही है. अगर देखा जाए तो एडवांटेज इस मेथड में देखा जाए तो क्या है, सबसे पहला मेथड है इजी टू इंप्लीमेंट. मेथड इजी है इंप्लीमेंट करने में, क्योंकि हमने पहले डिसाइड कर दिया कि इसमें इतने नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे. तो यानी यहां पे एलोकेशन, प्रोसेसेस को एलोकेट करना, डीएलोकेट करना, उनको मेमोरी देना, वो इजी मेथड है. तो इस जो मेथड को इंप्लीमेंट करना है इजी है, बट इसको यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है इसमें ज्यादा है. तो इसीलिए इसको हम आज के टाइम पे यूज नहीं करते, बहुत पहले यूज करते थे. तो दिस इज ऑल अबाउट द फिक्स्ड पार्टीशनिंग. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.